फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर आप तो लेक्चर्स भी देते हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में. फ्रीडम ऑफ स्पीच एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे लगता है हमारी सोसाइटी को एक निगल सा लिया है, और चाहे वो ट्विटर है या सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म है, चाहे वो किसी के फॉलोअर्स हैं एक्स वाई जेड जमात के, उस फ्रीडम ऑफ स्पीच में हम एलिगेशंस भी लगाते हैं, बहतानबाजी भी करते हैं, ज़बान भी बहुत बुरी इस्तेमाल करते हैं. ये होनी चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में या बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए? अगर मेरा बेटा सन्ने बलूगत को पहुंच रहा है लेकिन मैंने उसे अभी बाइसिकल चलाना भी नहीं सिखाया और मैं उसको गाड़ी की चाबी पकड़ा दूं कि बेटा ये आपकी गाड़ी है, दोस्तों से मिलने जाइए, अंजाम क्या होगा कि जगह जगह उसके एक्सीडेंट्स होंगे. फितरत में कहीं भी रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं है. फितरत के काम सब एवोल्यूशनरी चेंज पर है. पहाड़ बनते हैं हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरीज के बाद, इसी तरह टूटते हैं तो दे टेक हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरीज. दरख्त बीज से लेके फल देने तक एक लंबे अरसे तक पहुंचता है. दिन और रात तब्दील होते हैं बड़ा ग्रेजुअली. हर चीज़ आपकी, ये बिल्कुल ऐसा है, मैं घर में बच्चों की तरबियत नहीं करूं और एक टर्किश सिल्क कारपेट ला के बड़ा महंगा बिठा दूं, वो कीचड़ में लुथड़े हुए पाँव लेकर आएंगे, उस कारपेट पर निशान लग जाएंगे. ज़रूर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें होनी चाहिए, ये हमारा पैदाइशी हक है. बकौल जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि इनकी माओ ने इन्हें आज़ाद जना है, तुम्हें क्या हक है इन्हें गुलाम बना लो. वो हक है इंसान का कि उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले, लेकिन उसकी ट्रेनिंग होना बड़ा ज़रूरी है. हम वो यकलक जिसको बाइसिकल चलानी नहीं आती उसको कार नहीं दे सकते चलाने के लिए, वो हमने नहीं की है. लेकिन एक गलती हो गई, कोई बात नहीं, हो जाती हैं गलतियाँ, आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाएगा. अब हमें पेशेंस को डेमोंस्ट्रेट करना है कि इस सब को बर्दाश्त करते जाए. अब देखिए बहुत फ़र्क पड़ गया जी. आज से 5-6 साल 7 साल पहले के टॉक शोज़ देखिए, उसके अंदर क्या होता था, वही स्पीकर्स हैं, वही गेस्ट हैं, वही एंकर्स हैं. लेकिन आज से 10 साल पहले का टॉक शो देखिए और आज का टॉक शो देखिए, आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा. बिल्कुल, लोगों की प्रायोरिटीज़ भी चेंज हुई हैं. अच्छा साहब, मस्जिदों में शुरू में आज से कुछ 10-15 साल पहले कॉन्सेप्ट ये होता था कि मस्जिद से ही आपकी दीनी तरबियत होती है, खुतबों से होती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग शायद बोरियत का इजहार कर लेते थे जब वो खिताब कर रहे होते थे या कुछ सिखाने की बात कर रहे होते थे. इसकी बुनियादी वजह आपको ये नज़र आती है कि जिस ज़माने के बच्चे या यूथ होगी उसी ज़माने के मुकर्रर भी होंगे और उन्हीं की तर्ज पे ही आगे प्रीच करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने मखातिब की ज़हनी सतह के मुताबिक गुफ्तगू करो. जब हम उन तकारीर पे बेस करके ख़तीब साहब अपना वाज करेंगे जो जिसके अल्फाज 70 साल पुराने हैं, 75 साल पुराने हैं, या असलूब 70 साल पुराना है, तो आज के जहन के लिए वो अजनबी चीज़ होगी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऐन मुताबिक हम जब मस्जिद से, क्योंकि मस्जिद का मंबर मास मीडिया है, एक ऐसा मीडिया जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है,
जहाँ से इंसान की तरबियत बड़ी जल्दी होती है, वहाँ से अगर हम साइंटिफिक लाइंस के ऊपर बात करना शुरू कर दें, मज़हब को बिल्कुल बयान करें, उन असूलों को नहीं बदलें मज़हब के, ना वो बदले जा सकते हैं, लेकिन हम अपना अंदाज़े बयान मॉडिफाई करके उधर को ले जाएं जहाँ पढ़ा लिखा ज़हन तस्लीम करे उसको। क्या बात है, दिल नहीं कर रहा कि हम ब्रेक लें, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं, बिकॉज़ मैंने जब ये इंटरव्यू प्लान किया था सर के साथ, सो मैं बहुत ज़्यादा लोगों से पूछ रही थी कि बताइए हम किन किन मौजूआत पर बात करें, और यकीन करें इतने मौजूआत हैं मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा मौजू कहाँ से पकड़ूं।